ये पक्का मिलेगा, मैं इसको रात दिन देखूंगा। ये है माता रानी का प्रसाद। कैसे हो आप सभी लोग? तो जय मानंदा। तो हेलो दोस्तों, नमस्ते जी, पहलाग प्रणाम। कैसे हैं आप सभी लोग? एकदम स्वस्थ और साथ में मस्त होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है विजय सिंह कफोले के साथ जीओडी ब्लॉग्स में। तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं माँ नंदा की डोली, जो कि हमारे गांव में आएगी, और हम क्या क्या करते हैं माँ नंदा देवी के लिए जो माँ नंदा देवी आती है। तो और आज का मौसम आप देख रहे होंगे, पूरे बादल लगे हुए हैं, सुबह से बारिश हो ही रही है। जो ये सामने आप घर देख रहे हैं, यही है कोठी गांव। तो चलते हैं भगवती के चौक पे। तो दोस्तों, ये पहुंचे हम माँ भगवती के चौक पे, और ये रहा, बहुत ही खूबसूरत सज गया आज माँ भगवती का चौक। सभी लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हैं, सिर्फ मैं ही फोन चला रहा हूँ बस। ये भैया जी जूस बांटने वाले बने हैं आज हमारे। भैया कौन सा जूस पिला रहे हो आज आप? बुरांस का है, बड़ा टेस्टी हो रहा था, मैंने भी पिया अभी। और ये हमारे भाई लोग आज ये आटा गूंदने वाले हैं, बहुत तगड़ा काम कर चलता हुआ यहाँ पर। दोस्तों ये वाला है माँ भगवती का चौक, और जो सामने वाला है ये है पांडव चौक। यहाँ पर बन रहा है पूरी प्रसादी, जो भी भक्तगण आएंगे अभी माता की रानी के साथ, तो उनके लिए। तो दोस्तों यहाँ पर बन रही है अभी पूरी, यही देखो है प्रणाम में, पहुँच गए। ये बन रही है पूरी, आप बोलो। बोला राम, ये बोले बुलाओ ना तुम। पूरी बना रहे हैं, माता की सेवा कर रहे हैं। अच्छा, तो आज ही तो है मौका सेवा करने का। और क्या, इससे बड़ी सेवा क्या होती है? बिल्कुल, भोजन ही भोजन है। वही तो, आग में फुकी रहे हैं, आए इतने बड़े तवे में, तवे में बजाओ बजाओ, तेल का बजाओ में। हाँ दोस्तों, सबसे पहले माता रानी को चढ़ाया जाता है, उसके बाद पुजारी जी लोगों को खिलाया जाएगा, उसके बाद फिर सारे भक्तगणों को, और सेवा करने वाले सारे गांव वाले एक साथ में। और जब तक पूरा गांव एक साथ नहीं होगा, तब तक कुछ भी कार्य ढंग से पूरा नहीं हो सकता है। तो इसीलिए सभी गांव वाले आर्क हैं, बहुत जरूरी। बिल्कुल, तो तब देख रहे होंगे आप सभी लोग यहां पर गांव के एकता, सभी लोग आर्क हैं, जितने भी होंगे सभी लोग यहां पर पहुंच गए हैं। ये ताऊ जी आर्क हैं, एक हमारे चाचा श्री जी की जय हो। अध्यक्ष साहब, क्या अंतर है गाय के घी और भैंस के घी? गाय का घी जो है एकदम पीला होता है। हाँ, आयुर्वेदिक जिसको बोल सकते हैं हम इसको दवाई। हाँ, भैंस का घी, ये गाय का घी। अच्छा, बिल्कुल, दोनों फर्क देख लीजिए, गाय और भैंस का। गाय का कौन सा है? गाय का पीला वाला। हाँ, और ये हल्की सी ग्रीन भैंस का। भैंस का, अच्छा, धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी बात है बताई हमें। तो यहाँ पर माता रानी अभी विराजमान होगी यहाँ पर सामने, जो यहाँ पर अभी मैट पूरा बिछा दिया है। तो यहाँ पर भक्तों की बहुत ज्यादा भीड़ लगने वाली है इसके बाद। और ये हमारे रोज के सब्सक्राइबर हैं, बाकी देखे ना देखे पर ये देखने वाले सब्सक्राइबर हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पिस्सू बोलो तुम, पिस्सू में ध्यान दियो। हेलो हेलो हेलो, सभी पहुंच गए यहाँ पर, सभी अपना अपना योगदान देते हुए, अपना अपना सहयोग देते हुए माता रानी के भक्तों को भूखा नहीं रखेंगे। हाँ हेलो ब्रो, वो प्रधान को क्या बोलना, चालान कटेगा। अच्छा, तो अभी यहाँ पर सभी भक्तगण इंतजार करते हुए माता रानी का, कि कब माता रानी की डोली आएगी और कब वो माता रानी का स्वागत करेंगे।
भैया भी पहुंच गए हैं सबसे पहले। ओम नमो नारायण। अच्छा तो माँ नंदा देवी की डोली भी अब पहुंच गई है चेपड़ू से हमारे ग्राम सभा कोठी में, और आप सामने देख रहे हैं खूबसूरत सा नज़ारा जो कि सारे भक्तगण माँ नंदा देवी को पहुंचाने के लिए चेपड़ू से कोठी आए हैं। दोस्तों ये है आज की भीड़ हमारे ग्राम सभा कोठी में। इतने सारे भक्तगण यहाँ पर पहुंचे हैं, अभी बहुत सारे भक्त और आने वाले हैं माँ नंदा देवी के दर्शन के लिए। आज काफी टाइम लगाया माँ नंदा देवी की डोली को आने पे यहाँ पर। बिजीदा दूसरे यूट्यूबर के बगल में खड़े हो रखे हैं और यहाँ पर देख सकते हैं बिजीदा, ओ बिजीदा। और यहाँ पर हमारे ब्लॉगर भाई अभी हम कर रहे हैं ब्लॉगिंग। यस्सू। तो दोस्तों ये है हमारे माँ नंदा देवी की डोली जो सामने आप देख रहे हैं, तो बहुत ही अच्छे से सजी हुई है माँ नंदा की डोली। और यहाँ पर हमारे पुजारी जी लोग सभी पूजा करते हुए, ये है माता रानी का प्रसाद, खाजे होते हैं और जो भी बहू बेटियाँ होते हैं सब, पूरा जो भी घर में हुआ होता है नया नया नाच वो सब लाया जाता है। देखिए तो दोस्तों अभी यहाँ पर हमारे सभी भक्तगण
भोजन करते हुए, माता रानी का प्रसाद ग्रहण करते हुए। तो जो भी भक्त यहाँ आते हैं कभी भी माता रानी के साथ, तो कभी भी भूखे नहीं जाते हैं। ये है हमारी पहाड़ों की बात, पहाड़ों की बात ही अलग है। ये मयंक गौर हमारे सौर्य भैया जी भोजन करते हुए। दोस्तों अभी यहाँ पर पूरे गांव की अभी भेंट लग रही है माँ नंदा देवी को। अरे लास्ट, सबसे लास्ट भेंट यही होती है माँ नंदा देवी की अभी, और इसके बाद माँ नंदा देवी की डोली जाएगी धर्रा। और अभी तैयारी हो रहा है झोड़ा चांदड़ी लगाने की। सभी ताई जी लोग, ताई दादी लोग, सभी लोग ड्रेस मार के अपने पर भाई की फुल फोटोग्राफी चल रही है। ये है मनीषा द माउंटेन गर्ल मनीषा। अयोध्या था गियो तो दोस्तों अब तैयारी है माँ नंदा देवी की विदा होने की। तो अब माँ नंदा देवी जाती हुई दोस्तों अब माँ नंदा देवी के डोली के साथ साथ हम भी निकल पड़े हैं धर्रा की ओर। और अभी हम सभी लोग माँ नंदा देवी की डोली को धर्रा तक पहुँचाएंगे, उसके बाद सब अपने अपने घर प्रस्थान करेंगे। अब जाली मेरी माता महाराज राजा श्री की जय, गरीब मैया की जय।
माता का आशीर्वाद भी हमें मिल गया है। ये चुनरी मिली है माता रानी की भेंट। और भैया जी यहाँ पर डाली नंदा दे डाली नंदा माता जी का डोंडा दे ऊंचा कैलाश माता जी का डोला डाली नंदा दे ऊंचा कैलाश डाली नंदा। तो दोस्तों ये हम पहुंच गए हैं धर्रा गांव में। सामने धर्रा का खूबसूरत नजारा हमें दिखता हुआ। जय बोलो मानंदा राजा जयसरी के। जय हो बोलो मानंदा राजा जयसरी के। बोलो लाडू रवाण के। तो दोस्तों धर्रा के सभी भक्तजन यहाँ पर माँ नंदा देवी के स्वागत के लिए पहुंच गए हैं। जोर से बोलो ठीक है। हाँ हाँ जय माता दी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। कैसे हो आप सभी लोग? जोर से बोलो आवाज नहीं आ रही। और जोर से Let's go!
दोस्तों माता रानी का आज का पड़ाव रात्रि पड़ाव यही है धर्रा में। ये देखिए सामने हमने यहाँ पहुँचा दिया है भगवती को, अब चलते हैं घर। अरे मैं वो अंदर नहीं जाता था। अच्छा अच्छा वो मिलेगा मेरे को, ये हमारी सोच है, ये पक्का मिलेगा, मैं इसको रात दिन देखूं। हम मायके आ रखे हैं, हमारी फोटो बिल्कुल अच्छी निकालना, कल भी आना तो रात को देखने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल गाँव में आना, ठीक है, बिल्कुल लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, भतीजा हमारा, ठीक है, धन्यवाद। तो दोस्तों माता रानी को हमने पहुंचा दिया है धर्रा गांव में, ये सामने धर्रा गांव है। फिर से हम निकल पड़े हैं अपने घर के लिए, फिर मिलेंगे कुछ टाइम बाद आपसे। आज रात्रि पड़ाव माता रानी का रहेगा धर्रा गांव में, और कल माता रानी का जो अगला पड़ाव रहेगा वो बेराधार में रहेगा। तो कल माता रानी बेराधार में रहेगी, और वहाँ बहुत ही तगड़ा कोथिक होता है, और यहाँ भी आज रात कोथिक होगा, तो ये काफ़ी अच्छा होता है। तो दिखाएंगे हम आपको अगर टाइम मिले तो, अगर हम यहाँ आएंगे तो बिल्कुल आपको दिखाएंगे। और आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और जल्दी मिलते हैं आपसे न्यू व्लॉग में। तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय भारत, बाय बाय दोस्तों, जल्दी मिलते हैं आपसे।